हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर चर्चा करूंगा। जितने सारे लोग दुबई में यूएई में आते हैं नौकरी की तलाश में, तो सारे लोग यही सोचते हैं कि दुबई में यूएई में कितनी सैलरी में जॉब एक्सेप्ट करना चाहिए। आज मैं बात करूंगा सिर्फ फ्रेशर्स के लिए। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और नॉलेजेबल है, तो वीडियो को आखिर तक देखिए ताकि आपको पूरा नॉलेज मिल सके। और वीडियो से आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, आप फ्रेशर्स ग्रेजुएट है, जो भी हो आपका स्ट्रीम, चाहे आर्ट्स, चाहे आप बीकॉम ग्रेजुएट है, आर्ट्स ग्रेजुएट है या साइंस ग्रेजुएट है, या तो आप 12th स्टैंडर्ड पास है, लेकिन आप फ्रेशर्स है, आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो दुबई में यूएई में मिनिमम 2000 dirham टू 2500 dirham सैलरी में जॉब एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। क्यों, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, दुबई में यूएई में सर्वाइव के लिए खर्चा है, जैसे रहने के लिए, खाने के लिए। तो रहने के लिए आप बेड स्पेस में रहेंगे, मैक्सिमम लोग बेड स्पेस में ही रहते हैं, तो बेड स्पेस के लिए मिनिमम जो खर्चा है 400 dirham टू 500 dirham महीने का खर्चा है। बहुत सारे लोग 300-350 dirham में भी रहते हैं, लोग तो 200-250 dirham में भी रहते हैं, लेकिन एक स्टैंडर्ड बेड स्पेस के लिए जो साफ सुथरा होगा, तो मिनिमम 400-500 dirham, चाहे अबू धाबी, चाहे दुबई, चाहे शारजाह, चाहे रसल कैम, पूरे यूएई में तो ये खर्चा हो जाता है। बाकी खाने का खर्चा मिनिमम कम से कम 300 dirham खर्चा महीनों में हो जाता है, तो 500 + 300 = 800 हो गया। बाकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट 100 dirham तो 150 dirham हो जाती है, तो यहाँ पर हो गया 950 dirham। बाकी मोबाइल का खर्चा, देखिए मोबाइल का खर्चा उतना ज़्यादा नहीं होता इधर, क्योंकि सब जगह वाईफाई रहता है ऑफिस में या घर में, तो भी 100 dirham खर्चा पकड़ के चलना है, तो हो गया कितना, 950 + 100 = 1050 dirham। बाकी समटाइम्स आप बाहर घूमने के लिए जाएंगे या मॉल में, सुपर मार्केट में जाएंगे, कुछ ख़रीदारी करेंगे, तो मतलब एक बैचलर्स लाइफ, बैचलर्स के लिए दुबई में यूएई में हर महीना 1000 dirham टू 1200 dirham खर्चा हो जाती है। तो ये खर्चा मतलब सर्वाइवल के लिए, यहाँ पर सर्वाइव करने के लिए 1000 to 1000 dirham खर्चा हो जाती है। बाकी अगर आपका 2000 dirham सैलरी है तो 800 dirham आप सेव कर सकते हैं, अगर आपका सैलरी 2500 dirham है तो आप 1300 to 1400 dirham सेव कर सकते हैं। कंपनी, देखिए आप फ्रेशर्स है, सैलरी आपका 2000 dirham कंपनी ऑफर कर रही है, और कंपनी एकोमोडेशन ट्रांसपोर्टेशन भी प्रोवाइड कर रही है, तो वेरी गुड फ्रेशर्स के लिए। अगर कंपनी 2000 dirham सैलरी आपको प्रोवाइड कर रही है या 2500 dirham सैलरी प्रोवाइड कर रही है और एकोमोडेशन ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो भी आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। बाकी आप ये कहेंगे कि बहुत सारे लोग यहाँ पर 1000 dirham या 1200 dirham सैलरी में भी काम करते हैं, तो वो लोग कैसे सर्वाइव करते हैं? तो ये सैलरी है हेल्पर या लेबर क्लास लोगों के लिए। देखिए, लेबर क्लास लोग या जो हेल्पर लोग हैं, उन लोगों का सैलरी यहाँ पर 1000 या 2000 dirham सैलरी होती है, लेकिन कंपनी एकोमोडेशन ट्रांसपोर्टेशन फूड सब कुछ प्रोवाइड करती है पूरा, तो इसलिए उन लोगों का सैलरी यहाँ पर 1000 to 1200 dirham मिलती है। बाकी अगर आप आईटी ग्रेजुएट या इंजीनियर, या तो आप मेडिकल से रिलेटेड जॉब आपको चाहिए, तो अगर आप आईटी ग्रेजुएट है या आप इंजीनियर है या आप मेडिकल से जुड़ी जॉब चाहिए, तो आपके पास अगर सारा सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ है और आप फ्रेशर्स है, तो दुबई में यूएई में मिनिमम 5000 dirham to 6000 dirham सैलरी में जॉब एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा इंक्रीमेंट के बारे में। बहुत सारे लोग ये लगता है कि शायद दुबई भी यू में इंक्रीमेंट बहुत आसानी से मिल जाती है। देखिए, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका में इंक्रीमेंट आसानी से नहीं मिलती है, तो यहाँ पर भी सेम है। देखिए, इंक्रीमेंट के लिए बहुत सारे लोग तो यहाँ पर एक कंपनी में 5 साल 6 साल काम करते हैं सेम सैलरी में, कोई भी इंक्रीमेंट नहीं होती है। तो इंक्रीमेंट के लिए मतलब इंक्रीमेंट छीनना पड़ता है, लोग इंक्रीमेंट के लिए जॉब स्विच करते हैं, तो इतनी आसानी मतलब इतनी आसानी में यहाँ पर भी इंक्रीमेंट नहीं मिलती है, तो इसके लिए लोग जॉब स्विच करते हैं। तो दोस्तों, मैं और एक बार दोहराता हूँ, आप फ्रेशर्स आए,
आज मैं फ्रेशर्स के लिए वीडियो ये बना रहा हूँ। तो आप फ्रेशर्स ग्रेजुएट है या तो आप 12th पास है, आप फ्रेशर्स है, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो दुबई में यूई में 2000 दिरहम या कंपनी आपको 2500 दिरहम सैलरी ऑफर कर रही है तो आपको जॉब एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। कंपनी आपको 2000 दिरहम सैलरी ऑफर कर रही है और एकोमोडेशन ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड कर रहे हैं और आप फ्रेशर्स है तो वेरी गुड आपके लिए। आप आईटी ग्रेजुएट है, आप इंजीनियर है, आप मेडिकल से जुड़ी हुई जॉब यहाँ पर चाहते हैं दुबई में, आपके पास सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ है, तो मिनिमम जो फ्रेशर्स आप फ्रेशर्स है तो आपको 5000 दिरहम या 6000 दिरहम सैलरी में जॉब एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। बाकी हेल्पर या लेबर क्लास के लिए यहाँ पर कंपनी नॉर्मली 1000 दिरहम टू 2000 दिरहम सैलरी प्रोवाइड करते हैं, बाकी एकोमोडेशन ट्रांसपोर्टेशन फूड सारा सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों मुझे आशा है आप इसे समझ गए होंगे। तो आप लोगों से और एक बार रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबको इसके बारे में पता चल सके। वीडियो शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं न्यू अपडेट के साथ।